소년단 리더 김남준 상병도 함께했습니다. 무적의 승리부대로 이승만 전 대통령이 친위부대로 이승만 전 대통령이 칭호를 화사한 부대라고 치켜세웠습니다. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का दिन सच में हम आर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है, क्योंकि आज पहले तो जियोपॉल जंगों के दोनों व्यूवर्स पर आए हम आर्मी के लिए मैसेज लेटर लेकर, साथ ही साथ वी की फ़ोटो भी आज उसके मिलिट्री बेस से शेयर हुई है। एंड दोस्तों, क्या आप जानते हो कि अब अभी थोड़ी देर पहले BTS के लीडर RF की तरफ से भी बहुत बड़ी मिलिट्री अपडेट शेयर हुई है, वो भी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ। तो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है यून सियोक युल, तो वो साउथ कोरिया में इस वक्त मनाए जा रहे चुशोक फेस्टिवल की हॉलिडे पर आज आरएम के 15th मिलिट्री डिवीजन के हेडक्वार्टर को विजिट करने गए थे। एंड आज साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ आरएम के ये सभी वीडियोस और फोटोज बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही हैं। एंड इवन के मीडिया ने भी आज आरएम की ये मिलिट्री अपडेट को साउथ कोरिया के न्यूज़ चैनल पर शेयर कराया। एंड सभी के मीडिया आज आरएम के इस मिलिट्री अपडेट को इस हेडलाइन के साथ बता रही थी कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट आरएम के मिलिट्री बेस को विजिट करने गए हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हमारे आरएम साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा बड़े और पावरफुल इंसान हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फनी है लेकिन दोस्तों सच भी है। इसके अलावा आज हमारे आर्मी फैंडम की होनहार आर्मीज भी आरएम की आज इन सभी मिलिट्री फोटोज़ और वीडियोस को देखकर कह रही हैं कि इस फोटो में एक ही प्रेसिडेंट है, जो कि है किम नाम जून। तो दोस्तों, अब आप सभी मुझे बताओ, आपको आरएम की न्यू लेटेस्ट मिलिट्री फोटोज़ और वीडियोस कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।